हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेन्स नेस्ट। मैं रूबी सेन। फ्रेंड्स लाइक कमेंट्स ऑन माय चैनल, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तुरोई की एक सिंपल सी रेसिपी, जिसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। रिज गॉड भी कहते हैं इसे। तुरोई को अच्छे से छील के साफ़ कर ले, धो ले और फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले। मेरी मेड इसमें हेल्प करती है सब्जी काटने में। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करना है तुरोई को। हाफ कप मूंग दाल को ड्राई रोस्ट कर ले और उसे पानी में भिगो के रख ले। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालें। यू कैन ऑल्सो यूज एनी अदर कुकिंग ऑयल। उसमें खड़ा जीरा डालें। जैसे ही खड़ा जीरा क्रैकल करने लगे, उसमें अनियन स्लाइस किया हुआ या चॉप किया हुआ डाल दें। अनियंस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब अनियंस फ्राई हो जाए, देन ऐड 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। मिक्स इट वेल। आफ्टर दैट ऐड जीरा पाउडर। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, देन ऐड तुरोई को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। देन ऐड टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मिक्स इट वेल। देन ऐड मूंग दाल। मिक्स इट वेल। इसे कवर करके कुक करें। इसमें वाटर बिल्कुल भी ऐड मत करें, क्योंकि तुरई से नेचुरल वाटर रिलीज होगा। ऐड स्लिटेड ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बीच बीच में इसे मिक्स करते रहें। जब तक पूरा वाटर रिड्यूस ना हो जाए, तब तक इसे फ्राई करें। एंड इट्स रेडी टू सर्व। देखिए, वाटर रिड्यूस हो चुका है एंड इट्स रेडी टू सर्व। इसे रोटी के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं।